हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीदरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में, और जो खास तौर से चल रही है जो ओपनिंग इटालियन कॉम्प्लेक्स। इटालियन कॉम्प्लेक्स में मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और आगे भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने बाकी हैं। यहाँ पे आज देखेंगे पेरिस डिफेंस। पेरिस डिफेंस के बारे में क्या होता है पेरिस डिफेंस इटालियन ओपनिंग में, e4 e5 nf3 और bc4, ये है हमारी इटालियन ओपनिंग। बिशप ओपनिंग भी कहते हैं इसे। d6 ब्लैक रिप्लाई देता है। d6 के बाद वाइट करेगा कैसल, ng e7, knight g5। यहाँ पे एक ऑप्शन है, हालांकि ब्लैक को रिप्लाई देना चाहिए डिफेंस के, लेकिन यहाँ कोई डिफेंस मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि f7 पे दो दो अटैक हो चुके हैं। तो यहाँ बेस्ट मूव होनी चाहिए d5 और बिशप को ब्लॉक करना चाहिए। अगर ब्लैक ने f6 करके नाइट पे अटैक किया तो यहाँ पे वाइट कम्प्लीटली विनिंग है। कैसे विनिंग है मैं आपको बताता हूँ। कुछ मूव्स आपको इनविजिबल दिखेंगे, बिशप f7 चेक, किंग d7 फोर्स ऑप्शन, क्वीन g4 चेक, f6 दूसरा फोर्स ऑप्शन, पॉन टेक्स पॉन। और यहाँ ब्लैक अगर h5 करता है तो ये सिंपल विनिंग हो जाएगी। क्वीन सेक्रीफाइस यहाँ पे होगा, f6 डिस्कवर चेक, पॉन टेक्स क्वीन, देन बिशप e6 चेक, किंग e8 एंड f7 इज अ चेक। तो ये थी हमारी पेरिस डिफेंस में पहली ट्रैप। चलिए दूसरी ट्रैप दिखाता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरी ट्रैप, e4 e5 nf3 और bc4। ब्लैक d6 d4 यहाँ पे वाइट खेलेगा इंस्टेड ऑफ कैसल। तो d4 में एक ट्रैप है ब्लैक की ओर से है, ये बिशप g4 पिनिंग करने के बाद यहाँ पे वाइट सेक्रीफाइस देता है। अगर बिशप इंटू f7 डिस्कवर चेक के बाद उसे बिशप मिल रहा है, लेकिन यह गलत मूव होगी। आफ्टर किंग f7 knight g5 चेक, वाइट सोचेगा कि डिस्कवर चेक के बाद उसे बिशप मिल रहा है, लेकिन काउंटर अटैक में ब्लैक कैन कैप्चर द नाइट। आफ्टर बिशप टेक्स क्वीन, किंग टेक बिशप, और सिंपली यहाँ पे ब्लैक एक पीस अप हो चुका है। ये है हमारी दूसरी ट्रैप। चलिए और ट्रैप देखेंगे। ओके, तीसरी ट्रैप जो है पेरिस डिफेंस में मैं आपके सामने दिखाता हूँ, e4 e5 c3 वाली लाइन। c3 में ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप g4, वाइट रिप्लाई देता है qb3, अटैक ऑन f7। ब्लैक यहाँ पे सपोर्ट करता है qd7, व्हाइट अटैक बढ़ाता है knight g5 से, ब्लैक डिफेंस बढ़ाता है knight h6। उसके बाद बिशप इंटू f7, ये व्हाइट को लगता है कि वो बाद में knight takes, क्वीन टेक्स और क्वीन इंटू b7 के बाद उसे पीस वापस मिल रहा है। तो ऐसा सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि knight takes f7, लेकिन ब्लैक एक इंटरमीडिएट मूव करता है बिशप e6। व्हाइट रिप्लाई देता है qb7, डबल अटैक ऑन नाइट और रुक, बट रुक b8, यहाँ पे knight into d6, बिशप इंटू d6, और ब्लैक सिंपल पीस अहेड रहता है, और जो भी पोजीशन है वो भी ब्लैक के फेवर में। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा गुइको पियानो, जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है। पेरिस डिफेंस आपने देख ली, तीनों ट्रैप्स पेरिस डिफेंस के हैं, आप ये ट्राई कर सकते हो। अब मेन लाइन देखेंगे गुइको पियानो। गुइको पियानो एक ऐसी फेमस ओपनिंग है, बहुत सारे लोग इसे ट्राई भी कर चुके हैं, खेल भी चुके हैं। ओके दोस्तों, गुइको पियानो में बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप्स है, फेमस ओपनिंग ट्रैप्स है, और ये पूरी ट्रैप्स देखने के बाद सभी ट्रैप्स आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे टोटल मेरे पास गुइको पियानो के 11 ट्रैप्स है। अगर आप 11 के 11 ट्रैप्स देख लेते हो तो आपका गुइको पियानो ओपनिंग परफेक्ट हो जाएगा। या तो आप वाइट से तैयार करो या ब्लैक से, दोनों की ओर से सारी ट्रैप्स में आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में।
तो ये वीडियो एंड तक देखिए, सभी ट्रैप्स आपको नजर आ जाएंगे। चलिए पहली ट्रैप देखते हैं, वीक ऑफ पियानो में ब्लैक की ओर से e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 bc4 bc5 ये होता है गोई को पियानो। d3 ये नॉर्मल वेरिएशन है, c3 वेरिएशन भी खेलते हैं लोग। इसमें d6 कैसल, बिशप g4, नाइट c3 नाइट d4। यहाँ पे नाइट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, पहले वाइट बिशप e3 नाइट पे अटैक करता है, नाइट टेक्स नाइट, पॉन टेक्स नाइट, देन बिशप h3, रुक को बचाना होगा re1, बिशप टेक्स e3, एफ टेक्स e3, क्वीन g4 चेक, सिंपल ट्रैप है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो जाएगी। तो ये है पहली ट्रैप, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। कोई भी बिगिनर्स प्लेयर जो नया प्लेयर है और अपनी कैटेगरी में खेलना चाहता है तो ये ट्रैप बहुत अवश्य ट्राई करें। चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे गोइको पियानी की जो ट्रैप नंबर है सेकंड, नाइन ट्रैप्स और बचे हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके सारे ओपनिंग तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप नंबर 2, ये वाइट की ओर से है, e4 e5 नाइट f3 bc4 और यहाँ पे नाइट c3 वेरिएशन देखेंगे। वाइट खेलता है नाइट c3, नाइट f6, d3 कैसल, बिशप g4, यहाँ पे h6 करके ब्लैक ने रिप्लाई दिया है, h4 ये सरप्राइज मूव है लेकिन जबरदस्त अटैक कर सकता है वाइट, पॉन टेक्स बिशप, पॉन टेक्स पॉन, देन नाइट g4। ब्लैक की ओर से गेम प्लस दिखा रही है, इस पोजीशन में ब्लैक कंप्लीटली प्लस है, पीस प्लस है। g3 पॉन पिन है, उसका फायदा लिया है वाइट ने, नाइट इंटू f2। अब ये नाइट इंटू f2 ये गलत मूव है, यहाँ तक देखो आप साइड में देख सकते हो कि ब्लैक कितना अपर हैंड है, 2 पॉइंट प्लस है। ब्लैक को नाइट इंटू f2 नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लैक खेल सकता है बिशप इंटू f2 विद द चेक, लेकिन ये फॉर्क की जो थ्रेट है ये सभी को लालच करती है। तो नाइट इंटू f2 के बाद वाइट विनिंग है, यहाँ पे वाइट रिप्लाई देगा नाइट e5, फिर से शॉकिंग मूव, क्वीन सैक्रिफाइस, नाइट टेक्स d1 और कंप्लीटली आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक मेट इन 4 है। पहले पॉन टेक्स पॉन चेक, रुक टेक्स f7 फोर्स मूव, बिशप इंटू f7, किंग f8, रुक h8 चेक, किंग e7, नाइट d5 चेक, किंग d6 एंड नाइट c4, दिस इज अ चेकमेट। तो ये थी गोइको पियानो की दूसरी ट्रैप, और भी 9 ट्रैप आपको बतानी है, इसलिए वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।